अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाउ आर यू माय लवली स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश। टुडे वी विल राइट यू इंग्लिश फॉरस कॉपी। ओपन योर इंग्लिश फॉरस। आज जो हमारा डे फोर होगा, डे कौन सा है? 39। डे 39 पे जो हमारा पेज नंबर होगा, पेज नंबर कौन सा है? 46। डे है 39। CW क्लास वर्क, राइट द मिसिंग साउंड। द साउंड इज दिस ए। व्हाट कम्स आफ्टर ए? बा। बा राइट इन अपर टी लाइन। बा इज अ स्काई लेटर। द साउंड इज दिस का। का राइट इन। व्हाट कम्स आफ्टर का? डा। डा राइट इन अपर टी लाइन। डा इज अ स्काई लेटर। द साउंड इज दिस ई। व्हाट कम्स आफ्टर ई? फा। फा राइट इन अपर टी लाइन्स। फा इज अ sky letter. What which sound is this? G. What comes after G? Ha. Ha right in upper three lines. Ha is a sky letter. Which sound is this? E. E right in center two lines. E is a grass letter. What comes after E? Ja. Ja right in lower three lines. Ja is a root letter. Which sound is this? K. What comes after K? L. L write in upper three lines. L is a sky letter. The sound is this A. A write in center two line. A is a grass letter. What comes after A? Ba. What comes after Ba? Ka. Ka write in center two line. Ka is a grass letter. The sound is this Da. What comes after Da? A. A write in center two line. A is a grass letter. What comes after A? Fa. What comes after Fa? Ga. Ga write in lower three lines. Ga is a root letter. What comes after Ga? Ha. Ha is a sky letter. What comes after Ha? E. E write in center two lines. What comes after E? Ja. Ja write in lower three lines. Ja is a root letter. What come after Ja? Ka. Ka write in upper three lines. Ka is a sky letter. What come after Ka? L. L write in upper three lines. बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह नीट एंड क्लीन राइटिंग में लाइन से टच करके काम करेंगे। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जो हमारा डे फॉलो होगा, डे 36। डे 36 पे हम पढ़ेंगे फोनिक रीडर। क्या पढ़ेंगे आज हम? फोनिक रीडर। फोनिक रीडर में आज जो हमारा पेज नंबर होगा कौन सा होगा? पेज नंबर 18 एंड 19। कौन सा नंबर है? पेज नंबर 18 एंड 19। पेज नंबर है 18 एंड 19। पेज नंबर 18 और 19 में आज हम पढ़ेंगे, आज हमारी कौन सी लाइन है? सेकंड लाइन पढ़ेंगे हम। अ हैट ऑन अ मैट। अ हैट ऑन अ मैट। अ हैट हैट ऑन अ मैट मैट। अ हैट ऑन अ मैट। अ हैट ऑन अ मैट। अ hat hat on a mat mat. Ha hat on a mat. A hat on a mat. A hat hat on a mat mat. A hat on a mat. अच्छे बच्चों की तरह पढ़ेंगे। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू लवली स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आई एम योर टीचर ऑफ मैथ। टुडे विल बी राइट इन मैथ फॉरस कॉपी। दिस इज़ योर मैथ फॉरस कॉपी। आज डे फॉलो हो रहा है 39, ठीक है, और पेज नंबर हम करेंगे 50। चलें इसके साथ साथ ओपन करें पेज। आज डे कौन सा फॉलो हो रहा है? डे फॉलो हो रहा है 39।
What we will write in center? C dot W. It's main class work. आज हम करेंगे पेज नंबर 50. पेज नंबर 50 पे है फिलिंग द ब्लैंक्स. पिछली बार हमने 10 तक करी थी, आज हम 1, 5, 15 तक फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे. ठीक है बेटा, चले. जैसे 1 है, what comes after 1? 2, 3, what comes after 3? 4, 5, what comes after 5? 6, कोशिश करा करेंगे हम इसके साथ साथ ही लिखें. 7, what comes after 7? 8, what comes after 8? 9, what comes after 9? 10, 10, 11, what comes after 11? 12, 12, 13, what comes after 13? 14, 14, 15. नेक्स्ट नीचे आ जाइए. ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 से पहले डैश है, यानी बिफोर है. व्हाट कम्स बिफोर 2? तो हम लिखेंगे 1, 2. व्हाट कम्स आफ्टर 2? 3, 4. व्हाट कम्स आफ्टर 4? 5, 6. व्हाट कम आफ्टर 6? 7, 8. व्हाट कम्स आफ्टर 8? 9, what comes after 9? 10, what comes after 10? 11, 12, 12, what comes after 12? 13, 13, what comes after 13? 14, 14, what comes after 14? 15, 15. कोशिश क्या करें, टीचर की वीडियो के साथ साथ ही काम करें, ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो. अगर कुछ समझ में भी ना आए तो आपको आप वीडियो के ज़रिए आप काम अच्छा कर सकें. ठीक है बेटा, नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़. स्टे होम, स्टे सेफ. अस्सलाम वालेकुम. फर्स्ट नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपकी उर्दू की KG1 की टीचर हूँ. आज हम किसकी राइटिंग कर रहे हैं? उर्दू राइटिंग. ये हमारी कौन सी फॉरस है? उर्दू फॉरस. चले हम इसे ओपन करते हैं. सफ़ा नंबर 45. आज हमारे 2 पेज हैं. सबसे पहले हम करेंगे सफ़ा नंबर 45. आज हमारा प्लानिंग का कौन सा दिन फॉलो हो रहा है? 39. अब देखें इस पे क्या करना है आपको. तस्वीर को देखकर सही हर्फ पर दायरा लगाएं. अब यहाँ पे तस्वीर बनी हुई है और यहाँ हर्फ बने हुए. आपको तस्वीर देखकर जिस हर्फ से ये तस्वीर आती है, आपको उस हर्फ पर दायरा करना है. ठीक है, चलें. जहाज़ किससे आता है आपको पता है? खे से आता है, जीम से आता है. जीम से आता है, तो हम जीम पे क्या करेंगे? सर्कल. जहाज़ के बाद क्या बना हुआ है? हलवा. हलवा चे से आता है या हे से आता है? हे से आता है, तो हम हे पे सर्कल करेंगे. ठीक है, अब हलवे के बाद चाबी. चाबी किससे आती है? हे खे से या चे से? चे से, तो हम क्या करेंगे? चे पे सर्कल. चाबी के बाद खरबूज़ा. खरबूज़ा किससे आता है? हे से या खे से? खे से, तो हम क्या करेंगे? खे पे सर्कल. काम भी अच्छा अच्छा करेंगे और कलर भी अच्छा अच्छा करेंगे. ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं. सफ़ा नंबर 48. हमारा दूसरा सफ़ा नंबर क्या है? 48. और हमारा प्लानिंग का वही डे फॉलो होगा. ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है. हर्फ को देखकर हर्फ को तस्वीर से मिलाएं. क्या लिखा हुआ है? हर्फ को तस्वीर से मिलाएं, मतलब यहाँ जो हर्फ लिखे हुए हैं हमको इन तस्वीर से मैच करना है. तो सबसे पहले क्या बना हुआ है? जीम.
तो जीन से क्या आता है? चिड़िया। जूता, जीन से क्या आता है? जूता। तो हम जीम को जूते से मिलाएंगे। जीम के बाद क्या बना हुआ है? चे। चे चिड़िया। तो हम चिड़िया को चे से मिलाएंगे, ठीक है। चे के बाद हे। हे हुक्का। हे को हुक्के से मिलाएंगे। अब लास्ट क्या बच गया हमारे पास? खे। खे खरबूजा। तो हम खरबूजे को खे से मिलाएंगे, ठीक है। दोनों पेज पे अच्छा अच्छा काम करेंगे और कलर भी अच्छा अच्छा करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट नेम ऑफ अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपकी क्लास के जीवन की इस्लामियात की टीचर मिस हेरा फैसल। आज हम याद करेंगे ऊपर चढ़ते वक्त की दुआ और नीचे उतरते वक्त की दुआ। पेज नंबर 4 खोलें, सफ़ा नंबर 4। सफ़ा नंबर 4 ये देखिए, ऊपर चढ़ते वक्त की दुआ। जब भी हम बुलंदी पर चढ़ेंगे तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाहु अकबर। जब भी हम ऊपर चढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अल्लाहु अकबर। तर्जमा, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। तर्जमा, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। नीचे उतरते वक्त की दुआ, नीचे उतरते वक्त की दुआ, सुबहानअल्लाह। जब भी हम नीचे उतरेंगे तो क्या पढ़ेंगे? सुबहानअल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह ताला पाक है। तर्जुमा, अल्लाह ताला पाक है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट नेम ऑफ अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपकी क्लास के जीवन की अरबिक की टीचर मिस हेरा फैसल। आज हम अरबी में याद करेंगे अल-अल्वानून। अल-अल्वानून रंगों के नाम। अल-अल्वानून रंगों के नाम। अस्वदून काला। ये कौन सा कलर है? काला। उसे अरबी में क्या कहते हैं? अस्वदून। और उर्दू में क्या कहते हैं? काला। अबयदून सफ़ेद। ये कौन सा कलर है? सफ़ेद। कौन सा कलर है? सफ़ेद। उसे अरबी में क्या कहते हैं? अबयदून। उर्दू में क्या कहते हैं? सफ़ेद। अस्फरून पीला। ये कौन सा कलर है? पीला। कौन सा कलर है? पीला। उसे अरबी में क्या कहते हैं? अस्फरून। अस्फरून पीला। पीला उर्दू में कहते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।